हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बबली किचन। आज हम मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाएंगे जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक पैकेट मैगी का लिया है और इसको हम 3/4 कप पानी के अंदर हम मैगी को 80% तक बॉयल करेंगे। 75 से लेके 80% तक पकाएंगे। पूरी तरह से कुक नहीं करना, थोड़ा सा कच्चापन रहने देना है ताकि आपके पकोड़े जो हैं अच्छे बढ़िया क्रिस्पी बने। ये हमारा पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसके अंदर मैगी डाल देंगे। मैगी को तोड़ के आप डाल दें और इसके साथ ही हम मसाला डाल देंगे। मैगी का जो मसाला है, बस इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। 3/4 कप आप पानी ले लें और इसको फुल फ्लेम पे आप फटाफट इसको पकाना है आपने। थोड़ा कच्चा रखना है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए। ये दबा के आप देखिए, थोड़ा सा जोर लगना चाहिए दबाने में। बस अब हमारी मैगी जो है बन गई है। अब हम इसको एक बॉल में ठंडा होने के लिए रख देंगे और मैगी को अब ठंडा होने देंगे। ये हमारी मैगी बन गई है, ठंडी हो गया। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच चावल का आटा लेना है। इससे हमारे जो पकौड़े हैं वो बड़े कुरकुरे बनेंगे। और 6 चम्मच हमने अभी ये जो टीस्पून होता है बेसन लिया है। अगर बेसन बाद में ज़रूरत होगी तो हम फिर और डाल लेंगे। अभी हमने 6 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा लिया है और चावल का आटा और बेसन दोनों इसके अंदर मिला देंगे। अब हम इसमें डालने के लिए वेजिटेबल, आधी शिमला मिर्च को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है इस तरह चॉपर में। और ये गाजर है, 1 गाजर, उसको भी हमने चॉप कर लिया है पतला पतला। और ये बंद गोभी, 1 कप बंद गोभी, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और इनको हम इसी के अंदर डाल देंगे। ये बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ये वेजिटेबल पकौड़े हैं सब्जियों के, इसलिए इसमें वेजिटेबल आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली, थोड़ा धनिया लिया है, धनिया अच्छा ले, बढ़िया स्वाद आता है। और 1 बड़ा प्याज, इसको भी हमने पतला पतला काट लिया है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। प्याज डालने से पकौड़े जो है ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं, क्रंची टेस्ट आता है इसका। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले इसको मिक्स कर लें, हाथ साफ कर लें, अच्छी तरह से धो के इसको मिक्स कर लें। ये देखिए हमारे को लग रहा है बेसन थोड़ा कम है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे इसमें। ये 2 चम्मच बेसन और डाल दिया हमने और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि हाथ में पकड़ने से आपके थोड़ा सा जैसे पकौड़े बनते हैं इतना बैटर तैयार होना चाहिए। जो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसको और अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे हाथ में एक बॉल सा बनना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए जैसे। इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। आप जैसे मर्जी शेप में बना लें इसको, चाहे कटलेट की शेप में बनाएं, चाहे पकोड़े, जैसे हमने पकोड़े बनाने हैं तो हम पकोड़े की तरह ही बनाएंगे इसको। अब इसमें ये सेजवान चटनी है, ये हमारी YouTube पे हमने डाली है, हमारी आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको 1 चम्मच हम भर के ये डाल देंगे, इससे पकोड़ों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा। बस 1 ही चम्मच डालना है इसमें। ये बैटर में हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि नमक जो है मैगी में भी है और हमारी सॉस में भी है, इसलिए हम नमक थोड़ा सब्जियों के लेवल का डालेंगे। और 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे बस। और जो हमारी सेजवान चटनी है उसमें लहसुन अदरक भी है, हरी लाल मिर्चें भी हैं, तो मिर्च और नहीं डालनी। इसी से हमारे पकौड़े काफ़ी कुरकुरे और करारे बन जाएंगे। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसकी जगह अदरक वगैरह डाल दें और लहसुन अदरक आप डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। 10 मिनट जब तक हमारा बैटर सेट होता है तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर तेल डाल देंगे, गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल खाते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं।
तेल हमारा गर्म हो गया है और इस तरह से हम हाथ में लेके थोड़े थोड़े पकौड़े डालते जाएंगे, या आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, पर हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है, डालने में बढ़िया बनते हैं। और आपने फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। इस तरह से हम थोड़े थोड़े करके पकौड़े बना लेंगे, जितने आ सकते हैं तेल में आराम से आप उतने डाल दें। और फिर इसको जैसे थोड़ी देर फ्राई हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, तब इसको आप पलट दें। ये देखिए, पलट दें इसको, ये कितने बढ़िया बने हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह से कुरकुरे बनाएंगे, करारे बनाएंगे। थोड़ा हीट को आप फ्लेम जो है उसको मीडियम ही रखें। ये आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ खाएं, बड़े ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं, बिल्कुल अलग ही इसका टेस्ट आता है। मिक्स वेजिटेबल जैसे पकौड़े बनाते हैं, बीच में मैगी और सेजवान चटनी, इसका तो स्वाद ही अलग आता है। और बीच बीच में पलट के देखते रहें, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप फ्राई करें, ताकि बीच में से भी अच्छी तरह से पक जाए। ये छोटे छोटे निकाल दें पहले, क्योंकि ये फिर सड़ जाते हैं, जो थोड़े थोड़े टूट जाते हैं, जो टूट जाते हैं पकौड़े। ये देखिए, हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पकौड़े, और इसको अब हम निकाल देंगे, एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।